shit all together. वेटिंग है जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म का बेहतरीन ट्रेलर लॉन्च हो गया है और फिल्म में सोनम, करीना, शिखा और स्वरा के ऊपर ही कहानी घूमती नजर आती है। हाल ही में सोनम गॉर्जियस लुक में फिल्म को प्रमोट करने पहुंची। चलिए वीरे यानी कि सोनम से जानते हैं कि वो इस फिल्म को लेकर कितनी एक्साइटेड और कितनी नर्वस है। आई थिंक हर फिल्म के पहले मुझे ऐसा लगता है, मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, थोड़ा ना स्ट्रेस हो जाता है कि कैसी फिल्म जाएगी, क्या होगी, क्या होगा। पर मेरे हिसाब से हमने एकदम शिद्दत से ये फिल्म बनाई है। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है और ये मेरा आई फील कि ये फिल्म अच्छी जाएगी। पर क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए, हम फिल्म बनाते हैं लोगों के लिए, हम जो भी बनाते हैं लोगों के लिए बनाते हैं, होपफुली पीपल लाइक इट। प्रेशर नहीं होता। आई थिंक हर फिल्म में, जैसे नहीं मैंने कहा कि हर फिल्म में कोई ना कोई चैलेंजेस आती रहती है, और अगर मैं प्रेशर लेती कि यू नो मुझे क्या करना है, मैं काम नहीं कर पाती। आई थिंक आपको हर दिन में कुछ ना कुछ, यू नो यू हैव सम चैलेंजेस, कुछ ना कुछ यू नो चैलेंजेस आती रहेंगी। यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ टेक इट स्टेप बाय स्टेप। ये सबसे कठिन पार्ट प्रमोशन ही होता है। शूटिंग में कभी कोई मतलब यू नॉट पुट इन द स्पॉट, यू नॉट आस्क्ड पर्सनल क्वेश्चन, यू नॉट आस्क्ड अबाउट योर सेल्फ। सो आई थिंक इट्स नाइसर। Every film that I do, I hope to break stereotypes in some way and inspire young people, women and men, to kind of look forward and feel like they can, you know, break the glass ceiling in some way. And Riya and I have always aspired to make films that kind of change the mindsets of people and at the same time entertain them. So it's very memorable because this film for another mainstream actress to say okay to do this film, I think ये एक नई पीढ़ी शुरू करती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। अगर ये फिल्म अच्छी जाएगी तो ये बहुत सारे यू नो वेज हमारे लिए खोल देगी, हमारे रोल्स आई थिंक बेहतर हो सकते हैं। यू नो आई होप दैट दिस होल आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन वुमेन गोज अवे। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।